बिजनौर के सिंहारा में कल एक सड़क हादसे में लोकप्रिय भाजपा विधायक लोकेंद्र चौहान की हुई दुखद मौत के बाद आज उनके निवास स्थान पर उनके अंतिम दर्शन के लिए रात से ही भारी भीड़ रही, जिसको काबू करने में प्रशासन भी विफल रहा। उसके बाद उनके बड़े पुत्र तेजस्वी द्वारा उनको मुख अग्नि दी गई। हजारों की संख्या में लोगों ने पार्थिव शरीर के दर्शन किए। इस मौके पर महेंद्र नाथ पांडे, श्रीकांत शर्मा, सुरेश राणा, भूपेंद्र, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य महेंद्र धनौरिया, प्रदेश उपाध्यक्ष भाई अशोक कटारिया, पूर्व मंत्री यशपाल सिंह, पूर्व मंत्री मूलचंद चौहान, पूर्व राज्य मंत्री स्वामी उमवेश, एमएलसी राज्यपाल सिंह व्यस्त एमएलसी अमित यादव, सांसद सर्वेश कुमार, सांसद यशवंत सिंह, पूर्व सांसद श्रीराम रवि, पूर्व सांसद यशवीर, विधायक संगीत सोम, विधायक ओम कुमार, विधायक सुशांत सिंह, विधायक सुचि चौधरी, विधायक कांठ राजेश कुमार, विधायक पुत्र कंठ मुकेश माहेश्वरी, विधायक जसपुर आदेश चौहान, विधायक अशोक राणा, विधायक कमलेश सैनी, पूर्व विधायक रुचि वीरा, पूर्व विधायक प्रत्याक्षी राजपाल सिंह, मेयर मुरादाबाद विनोद अग्रवाल, जिलाध्यक्ष बिजनौर राजीव सिसोदिया, जिलाध्यक्ष संभल राजेश सिंघल, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष कुमार उदयन वीरा, संपादक चिंगारी सूर्यमणि रघुवंशी, ब्लॉक प्रमुख नजीम अवधेश कुमार सहित अधिकांश ग्राम प्रधान व पंचायत सदस्य मौजूद रहे। साथ ही जिले व प्रदेश के अधिकारियों में आईजी बरेली, डीआईजी मुरादाबाद, कमिश्नर डीएम बिजनौर अटल राय, एसपी बिजनौर प्रभाकर चौधरी, एसडीएम धामपुर आदि भी मौजूद रहे।